केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। काफी समय पहले एक विज्ञापन चला था कि 60 साल के युवा या 60 साल के जवान। ये उस समय एक सोचने मुद्दा था कि 60 साल के युवा कैसे हो सकते हैं या 60 साल के बुजुर्ग कैसे हो सकते हैं। लेकिन मेरठ में एक क्लब बना, क्लब 60। इस क्लब में सभी लोग अबव 60 हैं। आज हम आपको उन युवाओं से मिलाते हैं जिनकी सोच एक जमीनी हकीकत से ऊपर उठ करके बिल्कुल युवाओं की तरह है, जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो एक समाज में एक आयाम स्थापित करते हैं और बताते हैं कि ये भी किया जा सकता है। यहाँ शास्त्री नगर एच ब्लॉक में उन्होंने टैगोर पार्क बनाया और उसका अनुकरण करने के लिए यहाँ तमाम लोग आते हैं, सुबह शाम घूमते हैं। इसके साथ ही साथ शास्त्री नगर में करीब 6 पार्क इसको देखते हुए वहाँ के क्षेत्रवासियों ने इनके सहयोग से स्थापित किए हैं और वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल हो रहा है जैसा यहाँ पर हो रहा है। सुबह शाम यहाँ पूरे शहर के लोग घूमने के लिए आते हैं और स्वच्छ वातावरण में अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। बात करते हैं क्लब 60 के सदस्यों से, संचालकों से। विशेष बात यह भी है कि यहाँ पर कोई भी अध्यक्ष नहीं है, कोई भी पदाधिकारी नहीं है, केवल संचालक हैं और सभी लोग संचालक हैं। आज की डेट में पूरे विश्व भर में इनके 600 सदस्य काम कर रहे हैं, जबकि मेरठ में करीब 60 लोग यहाँ, मेरठ में 60 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। इसको स्थापित किया था, फाउंडर हैं हमारे महेश रस्तोगी जी। पहले बात करते हैं उन्हीं से। जी बताइए अपने क्लब के बारे में। मैं 2009 में रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट के बाद बड़ा सोनापन सा महसूस हुआ, क्योंकि मैं स्टेट बैंक में थोड़ा पॉलिटिक्स में भी वहाँ की यूनियन में एक्टिव था। तो रिटायरमेंट के बाद में कोई पूछता नहीं था, कोई समस्या लेके नहीं आता, तो उससे पहले सभी समस्या लेके आते थे, तो काफ़ी एक्टिव रहते थे। उसके बाद जब हम रिटायर हो गए, कोई नहीं आया, तो हम थोड़ा सा डिप्रेशन सा, समय काटना मुश्किल हो गया। वाइफ जॉब करने जाती थी, मैं अकेला घर में पड़ा रहता था। तब एक मूवी देखी, क्लब 60। क्लब 60 में बिल्कुल इसी तरह के लोग थे जो रिटायर हो गए थे या किसी तरह से दुखी थे। किसी की पत्नी नहीं है, किसी के बच्चे की डेथ हो गई है, किसी कोई एक्सीडेंट हो गया है। उन सब लोगों ने मिलकर एक मूवी बनाई, उन सब लोगों ने मिलकर क्लब बनाया, क्लब 60 उसका नाम रखा था। उसकी पूरी मूवी देखने के बाद, उसकी एक्टिविटी देखने के बाद मुझे लगा कि ये तो हमारे ऊपर बड़ी चरितार्थ हो रही है और हमें भी कुछ ऐसा ही काम करना चाहिए। और अब तक जो हमें भगवान ने दिया है उसका कुछ रिटर्न अब हमें करना चाहिए। तो वो क्लब बनाया, क्लब में लोग जुड़ते चले गए। इवन मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रवास के दौरान मैंने वहाँ बात की, तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस इकट्ठे हो गए। वो मंगल को एक सुंदरकांड का पाठ करने लगे और शाम को नदी के किनारे बैठ के सारे इकट्ठे होकर हंसी मजाक करने लगे, तो वहाँ भी क्लब 60। हमारे साथी विष्णु जी सिंगापुर गए, वहाँ भी इन्होंने पार्क में घूमते हुए लोगों को हाथ जोड़ के नमस्ते करी। सब वहाँ सिंगापुर में शुरू हो गया। इस तरह से कई देशों में हमारा ये शुरू हो गया है और अब हमारी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिसके बारे में विष्णु जी बताएंगे आपको। बहुत सारी हम अपने मनोरंजन के अलावा बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। बहुत हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। सेवा भारती से हमारे नवीन जी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं और सब इसमें जुड़ गए। जुड़ने के बाद हम बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन, कंपोस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरह बहुत सारे काम कर रहे हैं जिन्हें मोदी जी ने अपने मन की बात में भी दिखाया। तो इस तरह से ये क्लब 60 की शुरुआत हुई थी और अब बहुत ज़्यादा काम हो गए। सारे दिन व्यस्त रहते हैं तो अपने को भी अच्छा लगता है, स्वस्थ रहते हैं, दूसरे देख के थोड़ा सा सोचते हैं कि हमें भी इनकी तरह काम करना चाहिए, वो हमसे जुड़ के चले जाते हैं। मेरठ में एक सूरज कुंड पार्क है, उसको लेकर के भी चर्चा आ रही है कि क्लब 60 वहाँ पर कुछ करने जा रहा है, कुछ है जी। वहाँ के कुछ लोग जो सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हैं, वहाँ हजारों लोग जाते हैं और वहाँ नगर निगम ने बहुत पैसा लगाया है और लगता है, मैं उसके उद्घाटन में भी गया था, मैंने देखा था, उन्होंने बहुत ही सुंदर पार्क बनाया है, लेकिन उसके बाद उसकी तरफ तवज्जो नगर निगम की नहीं है। वहाँ पता नहीं क्या है, उन्होंने ठेका दे दिया है किसी को, हमें भी उनका सिस्टम समझ में नहीं आया।
लेकिन वहाँ जो घूमने वाले लोग हैं वो इकट्ठे होकर हमारे पास आए थे और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि एक बार वहाँ आके उसका थोड़ा सा उत्थान कराओ। तो हमने अभी एक दो मीटिंग की है, मैं और विश्वमिति वहाँ गए थे और वहाँ हमने देखा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो एक ऐसा पॉइंट हो मेरठ में जिसको सब लोग देखना है, ये हमारा उद्देश्य है। दोस्तों की जैसे एच ब्लॉक में जो टैगोर पार्क है तो ये एक छोटा पार्क है जी, सूरज कुंड पार्क एक बहुत बड़ा पार्क है, तो कैसे? रवि जी ऐसा है, ये छोटा पार्क है, हम थोड़े लोग हैं तो हम इसको मैनेज कर लेते हैं और मैं सुबह से शाम तक आपको, मैं समझता हूँ 80% मेरा टाइम जो है यहीं व्यतीत होता है। मैं सुबह से शाम तक ध्यान भी रखता हूँ, कोई डैमेज ना करे इसका भी ध्यान रखता हूँ, तो यहाँ मैं अकेला भी कर सकता हूँ और मेरे और साथी भी इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन वो बड़ा पार्क है तो वहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो मीटिंग की थी उसमें ही हजारों लोग, मतलब हजारों तो नहीं सैकड़ों लोग आ गए थे, तो हमें लग रहा है और वो सारे लोग बहुत ही खुश हुए, उनका लगता था वो भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से इसका उत्थान हो और हम इसका ध्यान रखें, वो रखेंगे हर सूरत में ध्यान उसका। सूरज कुंड पार्क पे पहुंच रहे हैं अब आप टैगोर पार्क के बाद। जी बिल्कुल, ये यहाँ से शुरुआत है, अब आगे दिन पे दिन काम बढ़ता जा रहा है, लोग बाग सहयोग मांग रहे हैं, वहाँ सहयोग करने को क्लब 60 और इसके सभी सदस्य सक्रिय रूप से सहयोग करने को तैयार हैं, वहाँ का जो भी उत्थान हो सकता है हम लोगों के द्वारा कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और भी शहर में कई जगह पार्क वालों ने अप्रोच किया है, वो भी इसी के चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो एक एक करके इन चीज़ों को ले रहे हैं, वो आगे इस कार्य को बढ़ाने का प्रयास सभी कर रहे हैं। ठीक है, टैगोर पार्क है, इसमें जितने भी संसाधन लगे हुए हैं क्या ये नगर निगम या बाकी किसी एजेंसी ने प्रोवाइड किए हैं या आप लोगों के सहयोग से, कैसे आप इसको इतना डेवलप कर पाए हैं? इसमें सभी का सहयोग है। देखिए नगर निगम ने हमें सोलर लाइट दी है, बीच में हमारा जो फाउंटेन है ये कलर रोशनी से शाम को होता है तो ये दिया है, और बाकी जो लीड बैंक है केनरा बैंक यहाँ का, उन्होंने जिम लगवाया, एक एक्सपोर्ट कंपनी है शारदा एक्सपोर्ट, उन्होंने लेडीज जिम लगवाया है और बच्चों के लिए साधन लगवाए हैं, तो इसमें बहुत लोगों का योगदान है। अच्छा दूसरी बात ये है कि हम कभी भी किसी से कोई याचना नहीं करते, ये जो महेश रस्तोगी जी की पिछले 30 साल की तपस्या है और जो ट्रांसपेरेंसी हमारी है उसे देखकर लोगों के ऑफर आते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा हम आपके लिए टैगोर पार्क के लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने ड्रिप इरीगेशन जो इसराइल की टेक्नोलॉजी है 10% पानी में और पूरे पार्क की सिंचाई हो जाती है, ड्रिप इरीगेशन हमारे पार्क में लगवा दिया, एक ने हमें स्प्रिंकलर सिस्टम दे दिया खुद, मतलब ये ईश्वर की कृपा कहें या इन साथियों के योगदान का फल प्रतिफल कहें कि हमें मिलता रहता है। जो स्कूली बच्चे हैं उन्होंने आके पेंट कर दिया, ये टायर पुराने हो गए थे, तो इस तरह से सब मिलजुल के सहयोग का ये परिणाम है कि आज हमारा जो ये मॉडल पार्क है पूरी यूपी में, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, योगी जी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को स्पेशली टैगोर पार्क भेजा था कि देख के आओ, जब मोदी जी ने अपने मन की बात में हमारे साथ काम दिखाए तो उन्होंने कहा आप देख के आओ ये सब फ्राड है या वाकई, तो उन्होंने जाके जो रिपोर्ट दी वो वीडियो हमारे पास है, उन्होंने कहा लगता ही नहीं है कि हम देश में हैं। हमारी जो मूल अवधारणा है वो ये है कि नो डिस्कशन ओनली एक्शन, जब भी कोई एक नागरिक होता है तो निगम पे शिकायत थोप देता है, वो जमादार काम नहीं करते, सफाई कर्मी नहीं आते, हम कभी शिकायत नहीं करते, हम अपने श्रमदान से अपने सहयोग से एक मॉडल पेश करना चाहते हैं कि जनता अगर चाहे तो जन भागीदारी से भी सुखद बदलाव हो सकते हैं। कोई एवरेस्ट पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबे चौड़े बजट की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने आसपास को अगर हम सुधार लें तो पूरा मेरठ जो है स्वच्छ हो जाएगा, और इसी अवधारणा पे हमने अडॉप्ट किया है सूरज कुंड पार्क को। तो उसमें हमने चरणबद्ध अपनी रणनीति बनाई है कि सबसे पहले हमने कल जाके वहाँ की समस्याओं को चिन्हित किया, क्या है 75% पार्क बहुत अच्छा है, 25 कहीं कहीं पानी के अभाव में वो सूख गई है धरती, तो हमने अपनी तरफ से उनको एक स्प्रिंकलर सिस्टम दिया और भाई पाइप उनके पास है उसको चला देंगे तो उससे कम पानी से घास पेड़ पौधे जो है वो गर्मी है, जब तक मानसून नहीं आता पानी की बहुत ज़रूरत है। अच्छा कुछ जो ऊंचाई पे पेड़ है वहाँ हम गड्ढा खोद के और घड़ा दबा देंगे, एक बाल्टी पानी एक महीने तक उस पेड़ की जड़ में नमी बनाए रखेगा, उसे पानी के मरेगा नहीं, तो ऐसे ऐसे हम काम करेंगे और उसमें तमाम लोग सहयोग के लिए आगे आए हैं और हमने कहा है कि भाई देखो जो स्वेच्छा से आगे आएगा, क्योंकि जो लोकल लोग हैं आसपास के लोग हैं वो, तो हम उनको सार्वजनिक रूप से सम्मानित करेंगे।
ऐसा होता है कि अगर किसी के अंदर कमी है तो सारे में बुराई फैल जाए, लेकिन कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्लब 60 उसमें सबसे आगे है कि वो उस आदमी को हाईलाइट करता, रिकॉग्नाइज करता, तो उसे देख के और भी ये सिलसिला आगे बढ़ता है। क्लब 60 के साथ ही इस सूरज कुंड का जो आप अभियान शुरू करने जा रहे हैं, इसमें कुछ और भी संगठन जुड़े हैं या केवल क्लब 60? हाँ, उसमें और कई संगठन, भारत विकास परिषद है और इसरे संस्था है, कई लोग आए तो हमने पेपर में दिया, तो जितने लोग और भी जुड़ जाएं अच्छा है। लेकिन वो सब जो खुद अपने हाथ से काम करने में, देखो अब हमारा जो है श्रमदान का अभियान चलेगा कि जितनी सफाई हम कर सकते हैं तो एक दिन देख के करें, तो सब लोगों में प्रेरित होंगे कि गंदा ना करें उसको। क्यों, हमने कहा कि खाने की चीज़ ले जाते हैं, हमने चिन्हित करी कि वहाँ गंदगी होती क्यों है, तो पता चला चिप्स के पैकेट पड़े हैं, लोग बाहर से खाने का सामान ले गए। हम ये चाहते हैं, नगर निगम से अनुरोध करेंगे कि खाने का सामान अंदर ना ले जाएं, एक आदमी गेट पे बैठा रहे। देखिए कंपनी गार्डन में 10 रुपया प्रवेश शुल्क है, तो भाई वहाँ 5 ही रुपया लगा दो, जो पैसा एकत्रित होगा उस आदमी की तनख्वाह निकल जाएगी। और पार्क जो है एक मॉडल बनेगा, इतना अच्छा स्थान है, शहर के बीच में है, कितना तो वो एक स्वच्छता का मॉडल बनेगा, सुंदरता का मॉडल बनेगा। तो देखिए उम्मीद है कि उसमें जरूर कुछ सुखद बदलाव होंगे। कब से शुरू करने जा रहे हैं इसको? हम पर्यावरण दिवस पर वहाँ जो है, जो उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष सीता अशोक के 10 पौधे, अभी आपने सहयोग की बात कर दी, डॉक्टर सुमित उपाध्याय से हमने निवेदन किया, तो उन्होंने कहा 10 पौधे मैं ट्री गार्ड के सीता अशोक, जो दुर्लभ प्रजाति है, वो इतना सुंदर फूल आता है जिसके नीचे सीता जी बैठी थी, वो इतना घना वृक्ष होता वहाँ लगाएंगे, जो आज पूरे मेरठ में एक भी पेड़ नहीं है। अच्छा, तो हम ऐसे काम करेंगे, ये सहयोग से ही होगा सबके, क्योंकि सुमित उपाध्याय जी ने 520 देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान से मंगाए, फिर उनके अपनी नर्सरी में उनको उगाया, तो उसमें से करीब आधे जो बीज हैं वो अंकुरित हुए, तो 10 पेड़ हमें मिल रहे हैं, मैं टी गार्ड के मिल रहे हैं। अब ये है कि भाई पानी 30 जून के बाद मानसून आ जाएगा, तो उम्मीद है कि चल जाएंगे। तो इस तरह से हम चरणबद्ध, समय लगेगा क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसे चेंज, जैसे हमने टैगोर पार्क किया, तो इस तरह करके दिखा देंगे। क्या अपील करना चाह रहे लोगों से? ये अपील करना चाहे, जो जहाँ रहता है वो गंदा ना करे, अपने आसपास को स्वच्छ रखे, बस पूरा मेरठ स्वच्छ। नरक का जो पर्याय बना हुआ है, जहाँ तहाँ देखते हैं क्यों बना हुआ है, कहते हैं तो कूड़ा नहीं उठता, अरे कूड़ा डाला किसने? जैसा हम अपने घर के ड्राइंग रूम को साफ रखते हैं और बाहर थैली भर के, कुत्ते आए थैली को फाड़ दिया, भाई गाड़ी आती है नगर निगम की उसमें डाल दो, खाने की चीज मत रखो, हमने अपने यहाँ व्यवस्था की, एक बॉक्स लगा रखा है, खाद्य पदार्थ सामग्री दिन भर उसमें डालती, रात को गौ पालक आता है, गौ ग्रास वो ले जाता है, ऐसी व्यवस्था। एक झोला लटका दो, आप बॉक्स नहीं रख सकते, एक बॉक्स हमने बाहर रख रखा, जो हमारे पुराने कपड़े हैं, दवाई हैं, खिलौने, कोई चीज़ है सड़क किनारे रख दो, जिससे ज़रूरत होगी ले जाएगी, रात को रखते हैं सुबह गायब हो जाती। तो ऐसा जो है एक सेतु होना चाहिए कि वेस्ट को मैनेज करने का तरीका, अभी हम घास निकलती है सबकी कंपोस्टिंग करते हैं, जितनी पुरानी चीज़ कोई सड़क पर रख देता हम यहाँ सजा संवार के बना देते हैं, 10-15 चीज़ें लगा रखी हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट जब लोग सीख जाएंगे, जब वाटर मैनेजमेंट लोग सीख जाएंगे, तो फिजूल बर्बादी नहीं होगी, साफ होगा अपना शहर, साफ होगा। जिस तरह इंदौर 7 साल से फर्स्ट आ रहा, मेरठ का भी कभी नाम आएगा। तो ये हम भावना जगाना चाहते, केवल नगर निगम के पीछे पड़े हुए साहब वो नहीं करते, अरे भाई हम क्या करते हैं, केवल जो एक नागरिकता का जो नागरिक बोध है, सिविक सेंस है, वो जगा के हमने खुद एक मॉडल पेश किया और हम उसी में लगे हुए हैं और हमारी संख्या बढ़ रही धीरे धीरे। टैगोर पार्क के बाद अब आपने सूरज कुंड की दशा और दिशा सुधारने का डिसीजन लिया है, आप इसमें लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे हम गए वहाँ, हमने मीटिंग की उन लोगों के, उस पे आग्रह पे गए थे जी, तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएँ भी हैं, वो भी वहाँ आ गए थे, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया होगा। उसमें नेगेटिव लोग भी होते हैं कि यार आप करोगे वो, उसने स्पेशली जो शब्द कहे मैं वो बताता हूँ कि यह मुसलमानी आती हैं और खाने पीने का सामान लेकर आती हैं और सब यहाँ ऐसे ही छोड़ जाती हैं। हमने कहा देखो जी, ये सबके सामने हर जगह ये प्रॉब्लम आती है, हमारे यहाँ भी आई थी, हमारे यहाँ 2 पेयर आते थे और वो ऐसे ही अपने बच्चों को लेकर आते थे और यहाँ सामान छोड़ जाते थे। हमने कुछ नहीं कहा, हमने देखा कि किस समय आते हैं, हम उस समय यहाँ आ गए और जिस समय उन्होंने खाने का सामान छोड़ा, हमने उनसे कुछ नहीं कहा, उस सामान को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। ये है पॉजिटिव अप्रोच। अगले दिन से वो बंदे यहाँ नहीं खाने का सामान लेकर आए और लाए, तो उन्होंने डस्टबिन को यूज़ किया। जब हमने उनको कहा, हमने कहा अजी यहाँ स्वीपर नहीं आते, मैंने कहा नहीं स्वीपर हम हैं, अगर मोदी कहीं डस्ट वो उठा सकता है, कूड़ा उठा सकता है, तो हम क्यों नहीं उठा सकते? हम अपने पार्क में यही करते हैं, सुबह मैं आता हूँ योग से पहले मैं यहाँ पर चक्कर लगाता हूँ,
जहाँ भी मुझे कुछ दिखाई देता है मैं उठा के डालता हूँ, तो मेरे योगी जो भाई बहन आते हैं वो भी सब ये करने लगे हैं, तो यह करना पड़ेगा और उसी तरह से सुधार होगा। आप स्वयं करो, ये मत दोष दो नगर निगम ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, सब ये कूड़ा कर रहे हैं। अरे नहीं, हमें ठीक करना है उसे, और हम तभी ठीक कर सकते हैं जब उनके लिए एग्जाम्पल बने। एच ब्लॉक का ये है टैगोर पार्क, और अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो आपको दिखाए हैं। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।